आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो बच्चे सोच सकते हैं कि हमें पढ़ाई तो करनी है, तो हम दिन में भी पढ़ सकते हैं, शाम में पढ़ सकते हैं और रात को जाकर भी पढ़ सकते हैं, तो सुबह ही जल्दी उठने का क्या बेनिफिट है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सुबह जल्दी उठने के क्या बेनिफिट्स है। इसको हम दो पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे, एक साइंटिफिक और दूसरा स्पिरिचुअल। तो साइंटिफिक के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, जो साइंस को फॉलो करते हैं और जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं, वो सब सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा ब्रेन किस तरह फंक्शन करता है और वो इस चीज का बहुत ही एडवांटेज लेते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम वेव बोलते हैं कॉमनली। तो जो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा वेव ऑपरेट करना शुरू करता है 10.5 वेव पर सेकेंड और उसकी रेंज होती है 8-13 हर्ट्ज। इसे हम अल्फा स्टेज बोलते हैं एंड दिस अल्फा स्टेज इज कॉल्ड अ गेटवे टू सबकॉन्शियस माइंड। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा इम्प्रेशनेबल होता है, हमारा माइंड बहुत ही काम, पीसफुल, रिलैक्स होता है। तो इस टाइम पे हम जो भी काम करते हैं, इस टाइम पे हमारी प्रोफाउंड लर्निंग होती है और बहुत ही प्रोफाउंड और डीप वे में हम कुछ भी चीज को, कुछ भी सब्जेक्ट मैटर को हम डील कर सकते हैं, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट, कुछ भी अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी है तो अगर सुबह के टाइम पे कुछ भी हम, जो भी हमारा प्रोफेशन है उस चीज पे अगर हम फोकस करके चलते हैं तो वो हम अच्छे से अचीव कर पाते हैं। सुबह के टाइम क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही पीसफुल होता है, काम होता है, रेस्टलेस बिल्कुल नहीं होता है, तो इस वजह से हम आराम से कुछ भी, जो भी काम करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। इस वजह से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस टाइम पे योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखते हैं। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठना जो है वो मुश्किल नहीं है, बट उससे बड़ा चैलेंज है हमारे पास और वो चैलेंज क्या है, रात को जल्दी सोना। ये सबसे द बिगेस्ट चैलेंज है। इनफैक्ट साइंस कहती है कि जो 10 से 2 बजे की जो स्लीप होती है वो जनरेटिव होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होती है क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में मेजर हमारा रिपेयर होता है इंटरनली। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम एकदम रिफ्रेश उठते हैं और जब हम उसके बाद, इस आवर्स के बाद अगर हम स्लीप लेते हैं तो उसकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बैड और बहुत ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि उसके बाद सोने के बाद भी हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं पूरे दिन। तो ये था साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। इस तरह से हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज, अपना हम कब सो रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे उस चीज पर तो हम अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस ला सकते हैं, हम एक साउंड और क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। अब हम दूसरा पर्सपेक्टिव पर आते हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो डिवोटीज के लिए वैसे तो हर एक सेकेंड उनके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस होता है, बट अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो उन डिवोटीज के लिए भी खास कर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट प्ले करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला भी उसे कहा जाता है। तो ये सनराइज के 96 मिनट्स पहले का टाइम होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस टाइम पे जो भक्त होते हैं वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो साक्षात श्री कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए तो इसके तो हमने बेनिफिट्स देख लिए, बट कैसे हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो हम सुबह जल्दी उठने के लिए एक स्लीपिंग गोल बना सकते हैं। हम जितने बजे भी सोते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उससे 15-30 मिनट्स अर्ली सोने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 बजे सोते हैं रात को तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 11:30-11:45 के बीच में सो जाएं और फिर उसके बाद अगले दिन थोड़ा और जल्दी। तो इस तरह से वो हम
10 बजे तक आ जाए तब हम स्टॉप कर सकते, क्योंकि 10 o'clock इज एन आइडियल टाइम फॉर स्लीपिंग, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा, जो सुबह की जो साइलेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस देती है, हमें पूरा मोटिवेटेड करके रखती है, क्योंकि और इसके बाद हमें बाहर की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो सब भी सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे कि एप्पल कंपनी के सीईओ टाइम कुक, ओप्रा विनफ्री, ड्वेन जॉनसन, तो ये सब जल्दी सुबह उठते हैं और दे चूज टू ग्रीट द डे एट द क्रैक ऑफ डॉन। एक्चुअली में अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हमें एक चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा जो वाई है, वाई टू गेट अप अर्ली, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा हैवी होना चाहिए। अगर हमें पता ही रीजन ही नहीं पता हमें सुबह क्यों उठ रहे हैं जल्दी, तो हम बहुत ही लेजी पड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमें हमारी 4 बजे की फ्लाइट है, तो हम रात को 2 बजे उठेंगे ही उठेंगे, और हम रात को सोने से पहले सोच के सोएंगे कि हमें हमारी फ्लाइट है 4 बजे की, 2 बजे उठना है, तो बार बार हम अपने आप को बोलते हैं। तो वैसे ही अगर हम हर दिन प्लान करके सोए कि हमें सुबह उठना है और हम क्या उस दिन अचीव करेंगे, क्या हमें करना है, अगर हम ये थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे तो हम सचमुच जल्दी उठ पाएंगे। हरे कृष्णा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो, अगर वो पर्सनल है तो वो हमसे आप ईमेल पर पूछ सकते हैं, अगर वो इतने पर्सनल नहीं है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हो सकता है वो उस वीडियो से रिलेटेड हो, हो सकता है वो उस वीडियो से ना रिलेटेड हो, पर हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कनेक्ट करेंगे। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के साथ। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों को कृष्ण कथा का आनंद मिल सके। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ज़रूर पता चले। हरे कृष्णा। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट। हरे कृष्णा।